हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज ICSE स्टैंडर्ड 9 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज। सो इन फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? ओके, सो फिजिकल क्वांटिटीज, मेनी आर फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट लाइक लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, दीज ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव फिजिकल वैल्यूज एज वेल एज स्टैंडर्ड वैल्यूज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेंथ इज 10 मीटर। सो इन दैट 10 मीटर अ नंबर इज फॉलो बाई यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर उसकी डेफिनेशन को अगर देखे तो नंबर इज फॉलोड बाय यूनिट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? सो इन फिजिकल क्वांटिटीज वी चूज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी एज अ स्टैंडर्ड। मतलब के मेजरमेंट इज, सपोज के हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट इज नथिंग बट कंपेरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो मेजरमेंट इज अननोन, कंपेरिजन बिटवीन अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेंथ है दैट इज एल इज इक्वल टू 10 मीटर, सो दिस इज अननोन बिकॉज पहले तो ये अननोन था। अननोन उसको हमने मेजर किया, फिर हमें पता चला कि दैट इज नोन, बट पहले अननोन था, दैट्स वाई अननोन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। एंड मीटर इज नोन और स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? सो दिस इज अबाउट लेंथ। सो इन दिस मेजरमेंट वी मस्ट नो द फर्स्ट टू पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट पॉइंट इज द यूनिट इज विच क्वांटिटी इज मेजर्ड, उसकी यूनिट के बारे में हमें मेजरमेंट लेना है, और दूसरा इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? दिस इज फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज यूनिट, एंड अनदर एस्पेक्ट दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू। सो इन ऑल मेजरमेंट वी मल्टीप्लाई द अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नोन फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स वी नो दैट the 1 meter is the unit length. Clear? So that unit we multiply with by 10. If measurement is 10, then we multiply it with 1 meter. If measurement is 15, then we multiply with 15. Clear? So this is unknown, but by measure we know that value. Clear? Okay, so here its formula is magnitude of physical quantity. Now what is magnitude of physical quantity? So we study from its equation. So physical quantity is equal to magnitude into unit. In previous example, if let us say length is equal to 10 meter, so if we talk about physical quantity, then it is equal to magnitude into unit. So 10 is nothing but magnitude, and unit we know that it's meter. So alone magnitude is nothing. Okay, if I only write 10, so it is meaningless. What is 10? But I have to write it along with the unit. So
So if I say 10 meter, then it is okay. But if no unit I write, then it can be centimeter, degree Celsius, everything. Clear? So alone is meaningless. We have to write along with its unit. That is called physical quantity. Similar, अगर हम लोग लेंथ के बारे में बात करें तो 10 इज मीनिंगलेस, बट इफ़ आई राइट मीटर देन इट इज मीनिंगफुल. इफ अगर मास की बात करें 5, बट वॉट इज यूनिट, दैट इज किलोग्राम. क्लियर? अब हम लोग टाइम की बात करें टी, तो 15, इट इज ओनली मीनिंगलेस, बट इफ वी राइट यूनिट देन इट इज मीनिंगफुल. क्लियर? बाकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज इज फॉर एग्जांपल वेलोसिटी लेट्स से अबाउट 8, बट मीटर इन सेकेंड इनवर्स यूनिट. इफ एक्सेलरेशन 7, देन इट्स यूनिट इज मीटर सेकेंड टू इनवर्स. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके अकॉर्डिंग उसके यूनिट्स है. अलोन दिस नंबर्स आर मीनिंगलेस. वी हैव टू राइट अलोंग विद दिस यूनिट्स. क्लियर? So, thank you for today.